Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video. तो बात करेंगे इस वीडियो में गाइस, आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, कैसा रहा ये शो, क्या क्या देखने को मिला हमें इस पूरे शो के अंदर। तो गाइस पर्सनली मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा ये शो, आई होप आपको भी लगा होगा क्योंकि ऑलरेडी हमें पता था कि ये अच्छा शो होने वाला है क्योंकि कुछ अच्छे मैच ऑलरेडी शेड्यूल्ड थे इस शो के लिए, तो अच्छा खासा ये शो रहा। तो बड़ीज अगर आप चैनल पर नए हो तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे हाथ से दबाओ, पैर से दबाओ, सर से दबाओ, जैसे भी दबाओ दबा लो, और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करो ताकि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और शो की जो शुरुआत होती है वो मिज एंड मॉरिसन के डर्ट शीट वाले सेगमेंट के साथ होती है। वहाँ पे वो बुराइयाँ करते हैं कभी ओटिस की, कभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की वहाँ पर एंट्री होती है और फिर हम देखते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और पहले तो हम देखते हैं कि मॉरिसन चैलेंज करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को मिज के साथ वन ऑन वन मैच के लिए। ये मैच वहाँ पर हो जाता है और उसके बाद दो चार मिनट के अंदर ही मैं कहूँगा ये मैच ख़त्म हो जाता है और ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है इस मैच को इजीली जीत जाते हैं डोमिनेटिंग तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं मॉरिसन चैलेंज कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को 2-on-1 हैंडीकैप मैच के लिए जो कि होगा यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, और ये होगा बैकलैश पेपर व्यू में। मतलब 2-on-1 मैच होने वाला है ये, और ये होने वाला है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। तो ये आउट ऑफ नोवेयर आया, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि इनके साथ इनका मैच होने वाला है बैकलैश में। तो ये कुछ अलग चीज़ की है WWE ने। होपफुली मुझे लगता है फीड के साथ अभी एकदम से उन्हें नहीं हराना चाहते हैं, तो शायद ये थोड़ा सा लंबा उन्हें रन देना चाहते हैं, इनके साथ इनका मैच कराना चाहते हैं ताकि उसके बाद फीड आए वापस और वो यूनिवर्सल टाइटल ले लें ब्रॉन स्ट्रोमैन। सो यही मुझे लग रहा है कि होने वाला है आगे का डायरेक्शन। उसके बाद हमें देखने को मिलता है शिंस्के नाकामुरा वर्सेस एजी स्टाइल के बीच मैच, जो कि ऑलरेडी शेड्यूल था, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के टूर्नामेंट का मैच था फर्स्ट राउंड का। और इस मैच में ऑब्वियसली यार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी ज़बरदस्त मैच होगा और ये बिल्कुल ज़बरदस्त मैच था जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। और इस मैच के एंड में देखते हैं हम एजे स्टाइल ऑब्वियसली इस मैच को जीत जाते हैं। फिर नॉमिनल फोरआर्म लगा के वो पिन करते हैं शिंस्के नाकामुरा को और वो क्वालिफाई कर जाते हैं अब सेमीफाइनल में। दैट मीन्स अगले हफ्ते सेमीफाइनल में उनका मैच होने वाला है एलायस के साथ। और गाइज एजे स्टाइल के लिए कमाल की अपडेट आई है कि वो अब आपको परमानेंटली स्मैकडाउन ब्रांड में देखने को मिलेंगे, यानी कि वो सीधा ट्रेड हो चुके हैं स्मैकडाउन ब्रांड में अब। इसके बाद हमें शो पर शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है। शार्लेट फ्लेयर का मैच ऑलरेडी शेड्यूल होता है बेली के साथ, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। और बेली इस मैच से स्टार्ट होने से पहले बैक स्टेज में साशा बैंक को बोलते हैं कि वो इस मैच में ना आए, वो रिंग के बाहर ना खड़े हों इस मैच के लिए, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो प्रूफ कर सकें ये सबको कि वो बिना साशा बैंक के हरा सकती हैं शार्लेट फ्लेयर को। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है इन दोनों ही फीमेल्स के बीच मैच, जहाँ पे मैच के एंड में हम शॉकिंगली देखते हैं कि बेली इस मैच को जीत जाती है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शार्लेट इस मैच को जीतेगी और साशा और बेली के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। शार्लेट फ्लेयर हार जाती है, बेली रोप का यूज़ करती है, मतलब वो रोप को पकड़ के पिन कर देती हैं शार्लेट फ्लेयर को, एक रोल अप पिन था वो, और मैच जीत जाती हैं वो। अब आई डोंट नो किस तरीके से ये चीज़ें चल रही है, जैसे कि ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है बेली और साशा बैंक के बीच में। मतलब एक हफ्ते ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही है इनके बीच, स्टार्ट होने वाली है इनके बीच फ्यूड, बट अगले हफ्ते देखते हैं हम चीज़ें सही हो जाती है। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, आई डोंट नो कौन सा दिन का वेट कर रही है WWE इन दोनों के बीच फ्यूड कराने के लिए। उसके बाद एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी शेड्यूल था, जहाँ पे मिस्टर मनी इन द बैंक ओटिस और मैंडी रोज का मैच था सोनिया डेविल और डॉल्फ ज़िगलर के साथ। अब ये पर्सनली राइवलरी इन चारों के बीच चली आ रही है काफ़ी टाइम से और अच्छा मैच की उम्मीद थी। अच्छा मैच ये होता है जैसे कि होते ही हैं टैग टीम मैचेस, और इन द एंड हम देखते हैं इस मैच को सोनिया डेविल जीत जाती है, यानी सोनिया डेविल पिन कर पाती है एक बार फिर से मैंडी रोज को, और ये मैच जीत जाते हैं सोनिया डेविल और डॉल्फ ज़िगलर। अब मतलब मिस्टर मनी इन द बैंक हार रहे हैं, आई डोंट नो क्या उनके साथ होने वाला है, कभी उन्हें एकदम अच्छा दिखा रहे हैं, कभी वो हार जा रहे हैं ऐसे मैचेस। सो आई डोंट नो क्या प्लानिंग है उनके लिए आगे आने वाले समय में। उसके बाद समय होता है मेन इवेंट का, जहाँ पे जेफ हार्डी के सामने होते हैं शीमस। इन दोनों के बीच भी कुछ हफ्तों से चली आ रही है फ्यूड और ये अच्छा मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त रेसलर्स हैं, और वैसा ही होता है, काफ़ी कमाल का मैच होता है इन दोनों के बीच, जिसके एंड में हम देखते हैं जेफ हार्डी रोल अप पिन के सारे इस मैच को जीत जाते हैं, यानी वो क्वालिफाई कर जाते हैं अब सीधा
सेमीफाइनल में, अगले हफ्ते उनका सेमीफाइनल मैच होगा डैनियल ब्रायन के साथ, तो वो भी काफ़ी कमाल का मैच होगा अगले हफ्ते। सो यही सब था शो के अंदर, हमें नहीं देखने को मिले फीड शो के अंदर, और मुझे नहीं लगता बैकलैश से पहले वो दिखने वाले हैं। अब जिस तरीके से चीज़ें प्लान की गई है, बैकलैश के बाद दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे, लेट्स सी, वो वेट करना होगा। अगले हफ्ते का स्मैकडाउन भी अच्छा होगा शो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन गाइस, स्टे सेफ एट योर होम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।